हेलो एवरीवन, सो टुडे द टॉपिक इज द इनपुट डिवाइसेस। आज मैं आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा जो कंप्यूटर में है। इन दैट मेजर इनपुट डिवाइसेस आर दैट वी कवर्ड इन दिस इज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, कार्ड रीडर, ओएमआर एंड एमआईसीआर। लॉट्स ऑफ न्यू इनपुट डिवाइसेस आर देयर। आपको लग रहा होगा कि ये कीबोर्ड माउस तो सबको पता है, वो क्या सिखाने की बात है। डोंट वरी, उसमें भी मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगी, ठीक है। सो बी विथ मी अप टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। हर एक डिवाइस की मैं प्रैक्टिकल जो उसका यूज हो रहा है और कुछ खास नया भी आपको मैं बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस में हमको पता नहीं होता है, मगर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ओके। मगर अगर सब्सक्राइब नहीं की चैनल तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ओके। I repeat, if you forgot to subscribe, then you click on the subscribe and click on the bell icon. Okay, and after this, after seeing this video, as per the rule, I just post a link in the description part of this video. ये video के description part में एक link होगी self test की, और self test आपको देनी है। ये video आप एक दो बार तीन बार देख लो, check कर लो, कोई problem नहीं। Then you give self test of 4 question or 5 question or 3 question. It's just a self test. हाउ मच नॉलेज यू गेट अबाउट दिस वीडियो, आपको बस वही जानना है और टेस्ट देनी है। टेस्ट देने के बाद आपको लाइक प्रेस करके आपको कॉमेंट पोस्ट करनी है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ओके। सो दिस आर द वेज टू लर्न। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द इनपुट डिवाइसेस। द फर्स्ट इज कीबोर्ड, ओके। सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द कीबोर्ड। सो दिस आर द फंक्शन कीज दैट आई एक्सप्लेन नाउ अगेन। These are the functions keys. Total 12 functions keys are there, and generally in almost all the keyboards, near about more than 102 keys are there. Generally, सभी keyboard में, normal keyboard में 100 plus keys होती है. In में से 12 functions keys are there. F1 to F12. Then here in the right side, you get the numeric keypad. Just to do the work with a digits. Digit के साथ काम करने के लिए आपको numeric keypad मिलेंगे. You all know about all these things, okay. Then alphabets are also there, okay. Escape key, then afterward this one is the space bar, that you know this is space bar. Then cursor control keys to move the cursor, to move up, down, left and right, okay. Iske ilawa aapke paas hoti hai control key, shift key, okay. Two control keys, two shift keys and two alter keys, and that is used with along with the shortcut. उसका एक अलग अलग इंपोर्टेंस है। कंट्रोल की इज ऑलवेज यूज फॉर द शॉर्टकट, अल्टर की इज ऑल्सो यूज फॉर द शॉर्टकट, एंड जनरली कोई भी प्रोग्राम में मेनू ओपन करने के लिए वो मेनू का फर्स्ट कैरेक्टर और अल्टर की प्रेस करोगे तो वो मेनू खुल जाएगा, ओके। एंड शिफ्ट की ऑल्सो यूज फॉर अ शॉर्टकट एज वेल एज टू प्रिंट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ कैपिटल। सपोज आप नॉर्मल ए प्रेस करेंगे तो ए स्मॉल लेटर में आएगा, बट इफ यू प्रेस शिफ्ट ए देन यू गेट ए इन कैपिटल लेटर्स। बट हियर वन कैप्स लॉक की इज ऑल्सो देयर। मगर कैप्स लॉक की से फायदा क्या होगा, कोई एक या दो कैरेक्टर कैपिटल में लिखने के लिए कैप्स लॉक कोई ऑन नहीं करता है, ठीक है, शिफ्ट से प्रेस कर देता है। इफ यू वॉन्ट टू टाइप एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर देन ओनली यू स्विच ऑन द कैप्स लॉक, ओके। तो कैप्स लॉक भी होता है, यहाँ पे आपको एंटर की मिल जाएगी टू एंटर इन ए पर्टिकुलर एरिया। हियर यू गेट द बैक स्पेस, ऐसी की होगी बैक स्पेस, ओके, टू रिमूव ए कैरेक्टर अवेलेबल इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, ओके। एंड हियर यू गेट इंसर्ट की, डिलीट की, एवरीथिंग। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द कीबोर्ड दैट यू ऑल अवेयर अबाउट इट। मगर मैंने आपको नया कंसेप्ट दिया शिफ्ट का, ओके। नाउ लेट वी सी सम मोर डिटेल्स अबाउट द कीबोर्ड, ओके। इज द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इज नथिंग, व्हाट एवर यू एंटर इनसाइड द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और जियो डिवाइस से आप वो चीज इनपुट करते हो, कंप्यूटर के अंदर एंटर करोगे, वो डिवाइस इनपुट डिवाइस हो गया। तो वेरी बेसिक थियरी दैट यू ऑल नो आई थिंक, बट देन ऑल्सो आई एक्सप्लेन इन डिटेल कि जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ एंटर करेंगे उसको इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस दैट यू ऑल नो, बिकॉज कीबोर्ड इज रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग, ठीक है। व्हाट वी गेट इन द कीबोर्ड, वी गेट द अल्फाबेट्स, वी गेट द digits 0 to 9, we get the functions keys, 12 functions keys that I already explained, F1 to F12, enter key for the execution of the instruction, kuch bhi cheez mein aapko apply karni ho to enter key, then space bar to mention the space,
backspace to move the cursor one position back. Back means left side. Okay, delete key to delete a character or to delete a particular file or folder. Okay, to delete anything we use delete key. Agar aap typing mein delete key use karte ho, so be careful, remember these things. It removes, it deletes the right sided character of cursor. यानी कि आपके cursor का right side के character को आपको delete करना हो, okay, तो आपको delete की press करनी है. और left side के character को delete करना हो तो backspace की. Okay, suppose यहाँ पे मेरा cursor यहाँ पे O और P के बीच में, अगर मुझे P delete करना है तो delete की, and O delete करना हो तो backspace की. Then shift की, जैसे कि मैंने कहा capital में करने के लिए caps lock, everything you write in the cap capital letters. Tab की to move the cursor directly in the next tab position, यानी कि एक से ज्यादा space छोड़ने के लिए, generally by pressing one tab key, five space are there. एक tab key से पांच space छूटती है. Control Alt both are used for shortcut keys with a combination of other key, दूसरी key के साथ ही उसका use होता है. And Escape key to cancel or abort your work. To cancel and abort your work, Escape key is used. Escape key के बारे में भी बहुत सारे students नहीं जानते हैं. Okay, Escape. अगर आप सपोज इन इफ यू आर इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इफ यू वांट टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन इन बिटवीन, देन यू प्रेस एस्केप की, बाहर आ जाओगे. बहुत सारी चीजों में आपको बाहर निकलने के लिए एस्केप की प्रेस करनी होती है. ओके, सो कीबोर्ड इज ओवर. दिस आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कीबोर्ड. ओके, नाउ वी सी द माउस इज द अनदर फेमस एंड कॉमन इनपुट डिवाइस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस ऑल्सो. ड्रॉइंग एंड पॉइंटिंग डिवाइस ऑल्सो. Mouse is also called drawing and pointing device also, because through mouse, यहाँ पे आप देखो मैं mouse यहाँ पे point कर रहा हूँ mouse से, suppose mouse, so here I point. Okay, so mouse is also a pointing device. Point a particular place on the screen and select in order to perform one or more action. Okay, it can be used to select menu command, resize window, selecting, मतलब कहीं पर भी आपको click करना है. Okay, now here you see the image. What this person is doing? पहले अभी ये क्लिक कर रहा है, ये क्लिक है, क्लिक कर रहा है. Then in between one circle is there, that is called scroll. It's called scroll mouse. Nowadays you get the scroll mouse only. To move the page up and down, scroll is used. देखो मैंने अभी up कर दिया. Okay. और यहाँ पे जो finger पे वो क्लिक कर रहा है, वो left button press कर रहा है. तो कहते click. And one two fingers are there in the right side of the mouse, that is your right click. Okay, so left click used to select the item. Select karne ke liye click ka use hota hai. Double click, if I press the left button two times, okay, then is called double click and is used to open any program. Koi bhi program open karne ke liye double click. Right click to open the shortcut menu or pop up menu. Okay, right click to display the shortcut. Dekho maine right click kiya yahan pe, then I get the pop-up menu. Okay, then drag and drop. Drag and drop means to move anything from one place to another place. Drag and drop. Drag and drop. Drag and drop करने के लिए आपको क्या करना है? Holding down the left button, move your mouse and drop it. यानी कि left button को छोड़ दो. I know you are very smart. बहुत बड़े हो चुके हो, आपको ये सब चीजें पता ही होगी. मगर थोड़ा सा मैं introduction दे दूंगा, अगर नहीं है तो, because I want to cover all kind of students. Okay, so holding down the left button, move your mouse and drop it. Okay, that is called drag and drop. And last scroll, जो मैंने आपको कहा अभी, मैंने scroll बताया था, ये left button का जो scroll है, left circle होता है, black color का circle होता है, वो है scroll to move up and down. Okay, so this is about the mouse. Now we go ahead. Joystick is very interesting device. Actually is a remote of playing games. Okay, is a vertical stick. Nowadays I think is very rarely is available. PS3 जैसी आप अगर कोई game purchase करते हो तो ऐसा device आपको शायद मिलेगा. ये बहुत actually पुराना हो गया, अभी तो छोटे device में आ जाते हैं. But to play a game with a stick is very interesting, very interesting. I like to play. Vertical stick in which moves the graphic cursor in a direction of the stick when the stick is moved. Up, down, left, right. Stick move करनी है, handle है. और ऊपर button दिया है. You see here, the button is there to select and to play. यहाँ पे fire करने के लिए भी, अलग-अलग game खेलने के लिए सब होता है.
Okay, is joystick is used as an input device primarily used with the video games that I already told you. Okay, so if you purchase the higher PlayStations and video games, then only you get this kind of joystick to play a game. Market may separate be available, but now the design of the joystick is changed. Okay, now going to the next, scanner. Okay, scanner means scanning device. Scanning device directly look at the input and enter the collected data into the computer. It just looks like a Xerox machine. Work bhi uska usi tarah se hai. Open the door, put a paper, close the door, press the button, start. Difference kya hoga scanner aur Xerox machine mein? Scanner mein aapne jo bhi paper rakha hai, uski image computer ke andar add hogi. Jabki Xerox mein kahan aata hai? Machine ke bahar aapko hard copy milti hai, scanner se aapko soft copy milegi. That means whatever the copy is there inside the computer is called soft copy. आप पेन ड्राइव में कहीं पर भी लेके जा सकते हो सॉफ्ट कॉपी. एंड व्हाट एवर द कॉपी दैट यू गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. तो स्कैनर क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली आपकी जो हार्ड कॉपी थी, आपने जो पेपर रखा था, उसको कन्वर्ट कर रहा है सॉफ्ट कॉपी में. और वो कहां पे जाएगा, कंप्यूटर के अंदर. सो इनपुट डिवाइस हो गया. एंड व्हाट इज द जेरोक्स, ओके वो एक हार्ड कॉपी की दूसरी हार्ड कॉपी बनाता है. ठीक है, मगर काम फंक्शनलिटी सेम ही होती है. लाइट पास होगी, वो स्कैन करेगा, रीड करेगा और वो कंप्यूटर में सेंड कर देगा. ओके तो कीबोर्ड उसमें तो कुछ एंटर नहीं करा है. आपको ये मशीन ओपन करना है, पेपर रख के बंद कर दो, बटन प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक वो स्कैन हो जाएगा और वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा. जनरली ऑल काइंड ऑफ फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, मैप, ओके वो सब की सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट की जाती है, स्कैन किया जाता है. ओके तो प्लेस एंड फोटो द डॉक्यूमेंट विल बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन डिजिटल फॉर्म, यानी कि डिजिटल फॉर्म हो जाएगा. एंड यू आर एबल टू सेंड थ्रू ईमेल और व्हाट्सअप, आप कहीं पर भी उसको भेज सकते हो. ओके सो दिस इज द स्कैनर. नाउ द नेक्स्ट वन इज बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडर, दैट यू ऑल नाउअडेज इज अ कॉमन. नाउअडेज इज अ कॉमन, बट व्हेन दिस बुक लॉन्च एट दैट टाइम बारकोड बहुत रेयरली था, काफी लोग नहीं देख पाते थे क्योंकि कॉमन नहीं था. नाउअडेज वेर एवर यू विजिट इन एनी डिपार्टमेंटल स्टोर देन यू गेट द बारकोड. आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो एक छोटा सा एनिमेशन है. इट रीड द बारकोड, बारकोड लाइंस को रीड करने के लिए मशीन होता है. एंड व्हाट द व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स आर देयर इनसाइड द बारकोड, द नेम ऑफ प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनसाइड द बारकोड. ये बारकोड बनाने का भी मशीन आता है. वो बारकोड के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स छुपी होती है और उसको रीड करने के लिए मशीन होता है. जैसे ही वो मशीन बारकोड को रीड करेगा, उसकी पूरी डिटेल्स कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी, नेम प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है. तो शॉपकीपर कैन ओनली एंटर द क्वांटिटी, योर बिल इज रेडी. ओके पूरी डिटेल ये बारकोड के अंदर होती है. ओके तो नाउअडेज इज वेरी कॉमन. ओके देयर इज अ स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. ये जो मैंने आपको कहा ना, इसमें यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है ये बारकोड के अंदर. ओके द स्कैनर रीड दिस बारकोड प्रिंटेड इन यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर्मेट एंड कन्वर्ट इट इंटू द एप्रोप्रिएट वैल्यू. मैंने आपको कहा कि वो प्रोडक्ट का नाम और प्राइस दोनों दिखा देगा. सम स्कैनर्स हैव फैसिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर फ्रॉम द इमेज. ये तो एक बार से इसलिए लाइन्स है ना, इसलिए उसको बार कोड कहते हैं. सम स्कैनर्स रीड द इमेज ऑल्सो, वो इमेज के अंदर छुपी हुई डिटेल्स को रीड करके कॉम्प्यूटर के अंदर फीड करेगा. दैट इज फ्रॉम द स्कैन इमेज ऑफ ए कैरेक्टर कॉम्प्यूटर एंड कॉम्प्यूटर कैन आइडेंटिफाई द कैरेक्टर. This is done by matching the image of a scanned character with stored image on the computer. And this is called your OCR, Optical Character Reader. The full form of OCR is Optical Character Reader. Note down the main points if you required, because afterward आपको self test भी देनी है. Okay. So Optical Character Reader, they just read the image and match with the image available inside the computer. Match हो गया तो okay, ठीक है, like this OCR works. Now, so I think it's clear barcode. Barcode के पास क्या होता है, UPC, Universal Product Code होता है, और वो product code ही read करता है barcode machine. Okay, now we going ahead. OMR, Optical Mark Reader, very famous. ये OMR sheet तो आपने देखी होगी. Okay, smaller classes children maybe they are not okay aware about this. But अगर अभी आजकल कोई भी competitive exam आप देखो तो
एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस ही होती है और आपको ओएमआर ही दी जाती है। तो वन इन अंदर वे आजकल की जनरेशन में हर किसी स्टूडेंट्स ने ओएमआर फिल किया ही होगा, मगर नहीं भी किया है तो मैंने यहाँ पे इमेज देखी है। इन दैट यू जस्ट मार्क द सर्कल, मार्क द शेप, मार्क द सर्कल, ओके, एंड टू रीड दिस मार्किंग स्पेशल मशीन इज देयर दैट इज कॉल्ड ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। हियर आई जस्ट गिव वन इमेज ऑफ द ओएमआर मशीन। देखो इसके अंदर कितनी सारी ओएमआर शीट्स डाली हुई है। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस मशीन? इट रीड्स ऑल दिस मार्किंग एंड अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स ऑफ द मशीन, मशीन में चेक ऑलरेडी आंसर्स दिए होते हैं। यहाँ पे ए आएगा तो उसको 1 पॉइंट देना है, यहाँ पे सी आएगा तो पॉइंट नहीं देना है। तो ओसीआर मशीन यही करता है, ऑटोमेटिक ये 1 by 1 वो सीट को लेगा, उसको पूरा कैलकुलेटिंग करके बाहर निकाल देगा इस साइड से। एंड विद इन ए मिनट और विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स यू गेट द रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टूगेदर। इतनी स्पीड में ये ओसीआर मशीन सभी मार्किंग को चेक करता है, हर एक ओएमआर शीट को, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई जो एग्जाम में ओएमआर शीट दी जाती है उस एग्जाम का रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है, बिकॉज हु इज गोइंग टू चेक द आंसर्स, मशीन इज गोइंग टू चेक द आंसर। इसमें मैनुअल चेकिंग नहीं होता है, मशीन चेक करता है। और कौन सा मशीन? ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। इस तरह का आपने सर्कल फिल किए होंगे, ओके, इज अ वेरी क्लियर वन। इस तरह से सर्कल आपने फिल किए होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज MICR. MI, what is the full form of MICR? Magnetic Ink Character Recognition. Magnetic Ink Character Recognition. MICR. This is the machine that read the particular ink. Okay, उसको recognize करता है और वो ink जो है special magnetic ink से लिखा हुआ होता है. Magnetic Ink Character Recognition is a technology that is prevalent in banking industry. देखो यहाँ पे ये checkbook का मैंने example दिया, ये check है, check. Small students, I don't think so. मगर you ask your parents to show me one check. और वो check में यहाँ के digit देखो नीचे के. You just highlight this digit. Is a magnetic ink. Is written in a special magnetic ink. Okay, prepared from iron oxide. It's prepared from iron oxide. Check book में हर check में वो digit जो है वो magnetic ink से specially लिखी हुई होती है. And what is the job of MICR? To चेक दिस स्पेशल डिजिट्स, ओके। तो वो मशीन जो है वो स्पेशल डिजिट को चेक करेगा और फटाफट चेक के ऊपर काम करेगा, उसकी डिटेल्स ले लेगा, वो चेक किसका है, उसके अकाउंट में पैसे है कि नहीं है, वो चेक पास हो जाएगा, ओके। इट इज यूज फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ चेक। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अकाउंट नंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। MICR code can be easily read and understood by the humans, while barcode through easily read cannot be easily understood by humans. वो हम पढ़ सकते हैं मगर उसको समझ नहीं सकते, वो कोड है, वो कोड के अंदर अकाउंट नंबर भी है, ओके, और उसकी डिटेल्स भी है। एंड दैट इज द जॉब ऑफ MICR डिवाइस टू रीड एवरीथिंग। ये पूरा मशीन आपको एक्सप्लेन कर रहा है, देखो चेक डाला उसके अंदर, उसने पूरी डिटेल ले ली और चेक पास कर दिया, ओके। जनरली इज यूज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, हर एक चेक में आप चेक कर सकते हो। यू जस्ट आस्क योर पेरेंट्स, ओके, सो मी द चेक। इसमें नीचे इस तरह से डिजिट लिखे हुए होंगे, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए हैं और वो बनते हैं आयरन ऑक्साइड से। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर ऑफ MICR। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर दैट ऑल्सो नाउडेज इज अ वेरी कॉमन। वी ऑल हैव डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। आपके पेरेंट्स के पास भी होगा, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, ओके। एटीएम कार्ड तो है ही, एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड नाउडेज बोथ आर सेम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर रीड द कंटेंट फ्रॉम द स्मॉल प्लास्टिक कार्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कार्ड। यहाँ पे मैंने कार्ड बताया, ऐसा ही कार्ड आपके पास भी है, पेरेंट्स को पूछना कि आपको बताए, एटलीस्ट जस्ट फॉर द एग्जांपल आप एक बार चेक कर लो पेरेंट्स से। एंड क्रेडिट कार्ड आर सच अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्ड होल्डर। हाउ व्हाट द मशीन इज डूइंग? कार्ड रीडर क्या करता है? टू टाइप्स ऑफ कार्ड रीडर्स आर देयर, वन इज स्क्रैच कार्ड एंड अनदर वन टू जस्ट पुट अ कार्ड इनसाइड द मशीन। यहाँ पे मैंने दोनों का एग्जाम्पल दिया है। ये फर्स्ट इमेज एनिमेशन इज द स्क्रैच कार्ड। वंस गैप इज देयर यू जस्ट स्क्रैच योर कार्ड, आपके कार्ड में बैक साइड ब्राउन स्ट्रिप होगी। एडिशनल डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, ब्राउन स्ट्रिप होती है। यू जस्ट आस्क योर पेरेंट्स टू शो द कार्ड,
ये प्रैक्टिकल चेक कर लो, प्रैक्टिकल चेक करना बहुत जरूरी है। आगे की तरफ नंबर्स लिखा है, पीछे एक ब्राउन स्ट्रिप होगी, वो ब्राउन स्ट्रिप वाले पार्ट को स्क्रेच करना है आपको, यहाँ पे स्क्रेच करना है। वो ब्राउन स्ट्रिप में आपके बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स होती है, द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, हाउ मच अमाउंट इज देयर, सब कुछ वो ब्राउन स्ट्रिप में छुपा हुआ होता है। इफ ब्राउन स्ट्रिप इज करप्ट देन योर कार्ड इज इनवैलिड, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएगा। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कार्ड बहुत पुराना हो जाता है, काफी सारे स्क्रेचेस हो जाते हैं वो एरिया में, तो कार्ड रीड नहीं कर पाता क्योंकि उसमें डिटेल्स नहीं मिलेगी। दूसरा किस तरह का कार्ड है, ये मैंने आपको इमेज बताई यहाँ पे, ये है दूसरा जनरली क्रेडिट कार्ड का, इस तरह से यूज होता है। आपको मशीन के अंदर ही कार्ड डाल देना है, जैसे कि ब्राउन स्ट्रिप भी थोड़ी अंदर आ जाए, ठीक है, उसमें पूरी डिटेल छुपी होगी। और आपको पिन नंबर डालना है दोनों डिवाइस में, आपको जो बैंक अकाउंट का जो पिन नंबर है वो पिन नंबर एंटर करना है, यानी कि एटीएम का पिन एंटर करना होता है, ठीक है। और पिन एंटर करते ही पूरी डिटेल्स हो जाती है, पेमेंट हो जाता है, एंड देन यू गो विथ योर प्रोडक्ट्स। ओके, नाउअडेज़ लाइफ इज वेरी इजी, डिजिटलाइजेशन इज देयर इन द मार्केट, और ड्यू टू दिस सिचुएशन ऑफ कोरोना ऑल्सो डिजिटलाइजेशन इज इम्प्रूव इन द लाइफ। ओके, उसने जगह ले लिया ज्यादा, क्योंकि हर जगह पे इन प्लेस ऑफ कैश वी आर यूजिंग कार्ड ओनली, बिकॉज इज सेफर देन द कैश अमाउंट। ओके, देन द आफ्टरवर्ड द लास्ट वन इज द स्पीच एंड विजन डिवाइस। स्पीच एंड विजन डिवाइस का बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दू, ओके, अलेक्सा, स्पीच एंड विजन डिवाइस अलेक्सा, देन आफ्टरवर्ड गूगल असिस्टेंट। ओके, वॉट एवर यू से यू गेट द वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, गूगल असिस्टेंट नहीं है तो आप देख लो, इवन इन योर मोबाइल ऑल्सो माइक बटन इज देयर। ओके, इन जस्ट टू गो टू द गूगल, क्लिक ऑन द माइक आइकॉन इन द इन साइड द मोबाइल, से समथिंग, तो गूगल आपने जो बोला है उसके हिसाब से आपको वर्क करके देगा। तो वो इनपुट हुआ ना, इनपुट है, और माइक इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस दैट रिमोट, जिसके अंदर गूगल असिस्टेंट का रेडीमेड बिल है, जो स्मार्ट टीवी आते हैं उसके रिमोट के अंदर ही गूगल असिस्टेंट का बटन होता है। By pressing that, speech, speak something, that input is there inside the TV. Okay. उसी तरह से vision, vision device means by seeing your face. Suppose for example, by seeing your face is identify you. Okay. आप हो या कोई दूसरा है. Vision, vision device. वो भी input ही है ना. एक कैमरा रखा है, कैमरा में आपको पहले जाना होता है, आपकी आइडेंटिटी चेक किया जाएगा, आप वैलिड हो या नहीं हो, ऑथोराइज हो या नहीं हो, ऑथोराइज है तो दरवाजा खुलेगा। This is just an example I am giving. So that vision is also an input. Input लिया, उसका चेहरा उसने किया, scan किया, है कि नहीं proper, match किया। तो vision device, वो कैमरा है, वो vision device है। बहुत सारे बड़े लोगों के घर में ऐसे बाहर ही scan रखा होता है, उसको आगे आके अपना चेहरा दिखाना होता है, and it's match. Match हुआ, that means you are the valid person, you are allowed to come inside. ठीक है, बहुत सारे घर में ऐसे है कि speech recognition devices है, जो बोलने पे कर काम करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है रोबोट्स का, ठीक है। कैमरा इज आल्सो यूज एज इनपुट डिवाइस लाइक ए लैपटॉप। सपोज मैं अभी आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इन लैपटॉप कैमरा इज देयर, सो माय कैमरा इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस, मेरे चेहरे को आपको दिखा रहा है ना। एंड इन माय लैपटॉप माइक इज आल्सो देयर, इट हियर माय वॉइस एंड पुट इट इनसाइड द लैपटॉप, और आपको सुनाई भी दे रहा है। सो ऑल द थिंग्स आर इनपुट डिवाइस। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज क्लियर। डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट, बी रेडी, चेक दिस वीडियो 2-3 बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दी है, वो लिंक को ठीक है क्लिक करके क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे पास आंसर अपने आप आ जाएंगे। एंड टिल इफ यू फॉरगॉट टू सब्सक्राइब, देन यू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।